जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ। साथ ही साथ आप फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह डॉक्टर ओम चो सर्च करें, हम आसानी से मिल जाएंगे। आप वहाँ भी हमें फॉलो करें और वहाँ भी हमसे जुड़ें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए कि जो डिप्रेशन है, जो आज के इस युग की सबसे बड़ी समस्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो उसके क्या सिम्टम्स है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उससे बाहर कैसे आएंगे, इन पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल और जो भी आपकी राय हो जरूर लिखें। कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम डिप्रेशन में है या नहीं। देखिए दोस्तों, जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो सबसे पहले उसे नींद जो आना है, देखिए नींद आना एक समस्या हो जाती है। मन और विचार दोनों कहीं भटका करते हैं। कॉन्फिडेंस जो है, हमारा आत्मविश्वास, वो कमज़ोर नज़र हमें आता है। चौथी बात है, अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास यानी किसी पर विश्वास है तो हमें अविश्वास का भाव आता है। ये चार बहुत ही सामान्य हैं जो आपको हर व्यक्ति में दिखाई, मतलब हर व्यक्ति में जो भी डिप्रेशन का शिकार होगा उसमें ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ बोलने में कई बार वो कुछ करना चाहता है, कुछ बोलता है और दिमाग पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ये डिप्रेशन के सामान्य सिम्टम्स है जो आमतौर पर आप कोई डिप्रेशन में हो तो ये दिखाई दे सकता है। या तो चुपचाप मौन रहेगा, एक ख्याल में डूबा रहेगा, चिंता में रहेगा, बात कुछ और हो रही है और कहीं पर घुमा हुआ है, ये चीज़ें आपके साथ घटित होगी। अगर ऐसा कुछ है तो, अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं तो इनसे बाहर आप कैसे आ सकते हैं, हम उस पर अब बात करेंगे। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन का मूल कारण है चिंता। आप यदि चिंता करेंगे तो मान लीजिएगा कि जितना टेंशन आप लेंगे उतना डिप्रेशन में जाने का आप शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करना है। उसके लिए आप आध्यात्मिक सहारा लें, रोज योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी चिंता हो वो ईश्वर को अर्पित कर दें। पहली बात, इससे बचने के लिए। दूसरी बात है, हम बहुत ज़्यादा आगे का सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे का सोचते रहते हैं। ये आमतौर पर आपने लोगों के साथ देखा होगा कि वो आज में कल के बारे में बहुत दूर का सोचते हैं, कि बेटी पैदा नहीं हुई, बच्चा पैदा नहीं, उसके शादी तक के बारे में चिंताएं करते हैं। तो ऐसी जो भी चिंता बहुत दीर्घकालीन हो उन्हें बिल्कुल आप लेना ना सोचें। प्लानिंग होनी चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता और प्लानिंग दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तीसरी बात है, आप ईश्वर का स्मरण करें, नाम लें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या जो भी आपके इष्ट हो उनका। चौथी बात है, आप अपने दिमाग को बिज़ी रखें, किसी भी काम में बिज़ी रखें, कहीं भी जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें बिज़ी रखें, व्यस्त रखें। क्योंकि जब तक दिमाग आपका जो उस काम में व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, और आप बहुत अच्छे से रहेंगे। पांचवी बात, बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दें। बहुत ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा होने वाला ना तो आपका है, ना आपके परिवार का, किसी का नहीं, केवल आप डिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे। छठवीं बात है, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार पढ़ें, अच्छी जानकारी आप पढ़ें, उनसे भी हमें मोटिवेट होते रहते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद को मोटिवेट, खुद का आत्मविश्वासित करते रहें हमेशा, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के मुकाबले हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, हमें किसी के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आठवीं बात है, किसी से तुलना बंद कर दें। नौवीं बात यह है कि धन का जो लालच है होना चाहिए, क्योंकि जीवन सामान्य होना चाहिए लेकिन अधिक लालच नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारा दो वक्त का गुजारा हो जाए, जीवन सामान्य रूप से बीत जाए, ये बहुत है, ये भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। दसवीं बात ये है कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये बात अपने मन में, दिमाग में बिठा लें। ये 10 वो बातें मैंने आपसे बताई जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि आप ईश्वर का जप कंटिन्यू करते रहें, अपने दिमाग को व्यस्त रखें, बिजी रखें, आप हमेशा खुश रहेंगे और चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, आपको लिए हेल्पफुल, कितना हेल्पफुल है ये भी लिखें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ें, जो भी आपकी राय हो ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।